नमस्कार, मैं अंकित कपूर, एडवोकेट, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर बेंच। करोड़ों रुपए कमाने के बाद भी इंसान की जो है भूख नहीं मिटती, उसकी मंशा यही रहती है कि कैसे न कैसे और रुपया बना लिया जाए, जनता को ठग लिया जाए, मूर्ख बना लिया जाए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बाबा रामदेव और उनके सहयोगी आचार्य बालकृष्ण, निम्स जयपुर के चेयरमैन B.S. तोमर और उनके सुपुत्र अनुराग तोमर और पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट के वरिष्ठ वैज्ञानिक अनुराग वाष्णवे की। इन लोगों ने 23 जून को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये दावा किया कि इन्होंने COVID-19 के इलाज में काम आने वाली दवा इजाद कर ली है, जिसे इन्होंने कोरोनिल नाम दिया। बाबा रामदेव ने सभी की उपस्थिति में ये दावा किया कि उनके द्वारा किए गए क्लिनिकल टेस्ट से ये प्रमाणित होता है कि इस दवा के सेवन से 3 दिवस के अंदर 69% मरीज ठीक हो जाते हैं और 7 दिवस में रिकवरी रेट 100% है और डेथ रेट 0% है। उन्होंने इसके साथ ये भी कहा कि इस बीमारी के उपचार में एलोपैथी दवाई के सेवन की कोई आवश्यकता नहीं है, आप ये कोरोनिल दवाई लीजिए और 100% आप 7 दिवस के अंदर सही हो जाएंगे। मंच पर आसीन जो अन्य जो व्यक्ति थे, उन्होंने बाबा रामदेव के इस दावे पर अपनी मौन सहमति दी। उन्होंने कुछ भी इसके पटाक्षेप में नहीं कहा, अपितु चुप रहकर और इस स्पीच के अंदर उनका समर्थन किया। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये स्पष्ट है कि इनकी मंशा जो थी वो ये थी कि ये अपने इस दवाई के बारे में लोगों को प्रेरित करें कि वो जाए और इस दवाई को खरीदे बाजार से और इसका उपयोग करें। फिर आयुष मंत्रालय की शाम को आई विज्ञप्ति। जी हाँ, आयुष मंत्रालय ने अपनी प्रेस विज्ञप्ति के अंदर इसका खंडन किया। आयुष मंत्रालय के मुताबिक इस तरह की दवाई के बारे में आयुष मंत्रालय को कोई जानकारी नहीं दी गई। आयुष मंत्रालय से जो अनुमतियां चाहिए थी वो नहीं ली गई, ना ही जिस जो क्लिनिकल टेस्ट का ये दावा किया इन्होंने कि इन्होंने क्लिनिकल टेस्ट किए, वो ना ही वो क्लिनिकल टेस्ट के बारे में आयुष मंत्रालय को कोई जानकारी है। ये खंडन करते हुए आयुष मंत्रालय ने उसी दिन 23 जून को ही तत्काल रूप से इनके जो दवाई का इन्होंने दावा किया, दवाई इन्होंने ईजाद कर ली, उसके प्रचार प्रसार पर रोक लगा दी। अब आप खुद देखिए, आयुष मंत्रालय जो भारत सरकार का है, जहां से इनको अनुमतियां लेनी जरूरी थी, जहां इनको सारी जानकारियां देनी जरूरी थी, बिना उसकी सहमति के या बिना उनकी जानकारी के ये किस तरह से इन्होंने दवा का इन्होंने क्लिनिकल टेस्ट किए और किस तरह से इस दवा को ईजाद होना बताते हैं, उसके बाद ये कैसे दावा कर सकते हैं कि ये दवा का सेवन करने से कोरोना का मरीज 7 दिवस में सही हो जाएगा। फिर इसके बाद जो इन्होंने न्यूज रिपोर्ट वगैरह दी, इन्होंने जो इन्होंने अपने आगे जाके रिपोर्टर को अपनी बाइट्स दी, उसमें इन्होंने जो इन्होंने 23 तारीख को कॉन्फ्रेंस की, B.S. तोमर साहब ने बिल्कुल उसके उलट हॉस्टाइल होते हुए सारी बातों का जो है खंडन किया कि साहब मैंने कोई दवा नहीं बनाई, मैं कोई मैन्युफैक्चरर नहीं हूं, मैंने केवल क्लिनिकल टेस्ट किए। ये क्या है, ये आम जन को आप गुमराह करना चाहते हैं, उनको ठगना चाहते हैं। बिल्कुल साफ स्पष्ट है कि आपकी बदनीयत ही है कि आप लोगों से और रुपए ऐंठना चाहते हैं, लोगों को बेवकूफ बनाना चाहते हैं, आप जनता को बेवकूफ समझते हैं और निराधार है आपके सारे दावे। इन दावों से आम जन आहत हुआ है, मैं आहत हुआ हूं, आम जन आहत हुआ है, सरकारों ने प्रसंज्ञान लिया है। इनके इस धोखाधड़ी के खिलाफ मैंने अंकित कपूर, एडवोकेट राजस्थान उच्च न्यायालय और मेरे सहयोगी अधिवक्ता बलराम झाकड़ ने इनके खिलाफ बाबा रामदेव, आचार्य बालकृष्ण, B.S. तोमर, उनके सुपुत्र अनुराग तोमर, अनुराग वाष्णवे के खिलाफ ज्योतिनगर थाने के अंदर, जयपुर राजस्थान में ज्योतिनगर थाने के अंदर एक FIR, जी हां बिल्कुल एक FIR दर्ज कराई है, अंतर्गत धारा 420 IPC सेक्शन 4 सेक्शन 7 ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज ऑब्जेक्शनेबल एक्ट। और ये जो अपराध है जिसके अंदर ये FIR दर्ज है, ये संज्ञेय अपराध है, गैर जमानती है और 7 साल तक के कारावास से दंडनीय है। मैं मांग करता हूं आपके चैनल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, कि आप सख्त से सख्त कार्रवाई इनके खिलाफ हो, ऐसी एक मुहिम छेड़े और इन दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। आम जन को कतई नहीं ठगने दिया जाएगा, ये आपके चैनल के माध्यम से मैं चेतावनी देता हूं। नमस्कार।